गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है और अब ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन होने लगा है। तो चलिए बनाते हैं कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई कुल्फी, जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये मलाई कुल्फी ऐसी चीज़ों से बनी है जिसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये मलाई कुल्फी बनाने के लिए मैंने 500 ml फुल फैट मिल्क लिया है, जो मैंने पहले से गर्म किया था, तो उसमें मलाई भी है, साथ में मैंने मलाई भी लिया है। इस दूध को हम मीडियम फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक ये दूध पक के आधा ना हो जाए या फिर गाढ़ा ना हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। तक ये दूध गर्म हो रहा है तब तक मैं इसके लिए एक पाउडर बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 4-5 काजू लिए हैं, 4-5 बादाम लिए हैं, 4-5 पिस्ता लिया है, 50 ग्राम चीनी लिया है, और 2-3 इलायची को छील के उसके दाने भी निकाल लेंगे। इन सब को पीस के बारीक एकदम पाउडर बनाएंगे, फाइन पाउडर, इस तरह से कि ये पाउडर एकदम तैयार हो गया है। अब ये दूध भी लगभग आधा पक चुका है और अब मैं इस पाउडर को इस दूध में मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं अच्छी तरीके से इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। ये दूध एकदम दानेदार, एकदम थोड़ा थिक हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है, और उसके बाद में हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखिए एकदम थिक हो गया है, अब इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में भी दूध थोड़ा सा थिक तो होता ही है। अब ये बंद कर दीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में अगर आपके पास मोल्ड है तो आप उस मोल्ड में इसको जमाएं, वरना अगर आपके पास नहीं है तो फिर ऐसे डिस्पोजेबल ग्लासेस आते हैं ना, उसमें भी आप इसको जमा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप इसको मोल्ड में डाल के और फिर डिस्पोजेबल ग्लास में या फिर ऐसे नॉर्मल ग्लास में भी आप इसको डाल के जमा सकती हैं, और उसके बाद में इसमें आइसक्रीम स्टिक डाल के इसको फ्रीज़र में जमा दीजिए। 5-6 घंटे जमाने के बाद में ये बिल्कुल कुल्फ़ी अच्छी तरीके से जम जाएगी। इस तरह से निकाल लीजिए। अब इस पे मैं कुछ पे नारियल का कोट कर रही हूँ, जो आपको पसंद हो आप वैसा करिए। नारियल का कोट डाल रही हूँ मैं, और कुछ पे मैंने ऐसा पिस्ते का कोट लगाया है जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा आपको। एक कुल्फ़ी को एकदम जैसे मार्केट में मिलती है ना, वैसी ही कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। और ये देखिए मैंने और भी जो कुल्फ़ी बनाई है उस पे मैंने पिस्ते का ही कोटिंग किया है, और वो बहुत ही अच्छा लगता है। देखने में भी तो सुंदर लगता ही है, साथ में खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है।